Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Classes. Friends, उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लासेस में पढ़ाई गई चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आप अभ्यास भी कर रहे होंगे बोलने की. फ्रेंड्स, जो भी दोस्त हमारे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे प्लीज़ कमेंट चाहूँगा कि वो कैसा कर रहे हैं या मेरी टीचिंग से उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके. ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट. क्लास शुरू होने पर देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट एंड इन्फिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस में डू डज का इस्तेमाल तो हमने बहुत किया है, लेकिन क्या हमने कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज का इस्तेमाल किया है? आपने किया है कभी? या आप जानते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं? तो चलिए आज हम वही सीखते हैं. फ्रेंड्स, जब हम किसी बात को जोर दे के बोलते हैं और वो सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का होता है, और जब हम किसी बात को जोर दे के बोलते हैं तो वैसे सेंटेंसेस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी डू डज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स? जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम चाय पीते हो क्या, तो वो बोलेगा हाँ पीता तो हूँ, हाँ पीता तो हूँ. तो मीन्स वो जोर दे के बोल रहा है कि हाँ पीता हूँ मैं, तो इसका इंग्लिश होगा आई डू टेक टी. ठीक है फ्रेंड्स? अब किसी ने मुझसे किसी और के बारे में पूछा कि वो स्कूल जाता है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ वो स्कूल जाता तो है. मीन्स जोर दे के मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो जाता है स्कूल. तो इस तरह की बातों को हम बोलने के लिए वहाँ पर डू डज का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर डू लगता है वहाँ पर डू लगाएंगे, जहाँ पर डज लगता है वहाँ पर डज लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड? तो वो स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल. यहाँ पर डज लग गया है इसलिए गो में ईएस नहीं लगेगा. ठीक है फ्रेंड? ही डज गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता तो है. अब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कभी कि तुम कॉलेज जाते हो क्या, हाँ मैं जाता तो हूँ, रोज जाता हूँ मैं, हाँ जाता तो हूँ. मीन्स जोर दे के मैं बोल रहा हूँ, बात को हल्के से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कि हाँ जाता हूँ. तो वहाँ होगा आई डू गो टू कॉलेज एवरी डे. ठीक है फ्रेंड? किसी ने पूछा वो दारू पीता है क्या, हाँ पीता तो है. मीन्स जोर दे के बोल रहा है कि हाँ पीता तो है वो, हाँ वो दारू पीता है. यस, ही डज ड्रिंक वाइन. तुम क्रिकेट खेलते हो क्या, डू यू प्ले क्रिकेट, वो बोलता है हाँ खेलता तो हूँ. मीन्स हाँ मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ. यस आई डू प्ले, येस आई डू प्ले क्रिकेट. तुमको पेड़ पर चढ़ने आता है क्या, डू यू नो हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री, तो उसका जवाब अगर कोई देगा कि हाँ उसको पेड़ पर चढ़ने तो आता है, हाँ वो पेड़ पर चढ़ता तो है, जानता है वो पेड़ पर चढ़ना, तो ही डज नो हाउ टू क्लाइंब अप द ट्री. मेरे पिताजी मुझे इंग्लिश पढ़ाते तो हैं, माई फादर डज टीच मी इंग्लिश. वे लोग रोज आते तो हैं, दे डू कम एवरी डे. उसकी बहन हमेशा फर्स्ट लाती तो है. मीन्स कोई बोला कि उसकी बहन पढ़ती क्या, अरे उसकी बहन हमेशा फर्स्ट लाती तो है, तो उसकी बहन हमेशा फर्स्ट आती तो है.
His sister does stand first always. या his sister does always stand first. उसकी माँ अच्छा खाना बनाती तो है. Her mother या his mother भी बोल सकते हैं. अगर लड़कों लड़के की अगर लड़के को दिखा कर बोल रहे हैं तो his mother, अगर लड़की को दिखा के बोल रहे हैं तो her mother. तो her mother does know how to cook well. ठीक है. हाँ मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ. Yes, I do speak English. I do speak English. वह तैरना सीखता तो है. वह तैरना सीखता तो है. He does learn how to swim. वो बाइक चलाता तो है. He does ride bike. ठीक है. हाँ हम लोग गाते तो हैं. आप लोग किसी ने पूछा आप लोग गाना गाते हैं क्या. हाँ हम लोग गाते तो हैं. We do sing. तो ठीक इसी तरह से हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस में भी पढ़ाया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी अगर हम जोर दे के किसी बात को बोलते हैं या जरूरी या अवश्य हो तो उसमें भी हम डू लगाते हैं. जैसे कल जरूर आना, या हम जोर दे के ही बोल रहे हैं कि कल आना. हाँ कल आना. मिस जोर दे के बोल रहे हैं या कल जरूर आना या कल अवश्य आना. डू कम टुमारो. दरवाज़ा ज़रूर बंद कर लेना. डू क्लोज द डोर. कल बुक लेकर जरूर आना. डू कम विथ द बुक. ठीक है फ्रेंड. तो इसी तरह से हम किसी में भी किसी भी सेंटेंस में जब हम जोर दे के किसी सेंटेंस को बोलते हैं, किसी भी बात को हम जोर दे के बोलते हैं, तो उसमें हम डू डज का इस्तेमाल अफर्मेटिव में कर सकते हैं और करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कब करते हैं. ठीक है फ्रेंड. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स. थैंक्स अ लॉट. धन्यवाद.